आई एम सो सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था। ओके ओके, सो क्या होगा, अपन क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेल के अंदर चले गए हैं। सेल के अंदर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बट इतना बड़ा सा वर्ड सुन के अगर आप डर रहे हो तो उस वर्ड को भूल जाओ। अपन आज पढ़ने वाले कि अपन प्रोटीन बनाते कैसे, सेल के अंदर प्रोटीन बनता कैसे। सो हमने पहला स्टेप क्या स्टार्ट किया, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए से व्हेन वी सिंथेसाइज एमआरएनए, व्हेन वी मेक एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, वी कॉल दैट प्रोसेस एज, क्या बुलाते हैं उस प्रोसेस को बताओ, एक्शन करके। शाबाश, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन एक्शन कैसे करना है, जल्दी 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 जल्दी, रिफाक रिफाक, विशाल गुप्ता, जल्दी जल्दी एक्शन करना है कैमरा में, ट्रांसक्रिप्शन। शाबाश, वेल डन। ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए बन गया। एमआरएनए का रीडिंग कौन करेगा, हु विल रीड एमआरएनए स्टूडेंट्स, हु विल रीड एमआरएनए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, वेरी गुड, राइबोसोम्स रीड करेंगे एंड राइबोसोम्स विल आस्क ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोम्स किसको बोलेंगे, राइबोसोम्स बोलेंगे ट्रांसफर आरएनए को। ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीआरएनए। टीआरएनए मींस व्हाट, ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोम्स विल आस्क ट्रांसफर आरएनए। श्रेया अगर राइबोसोम है तो उसका छोटा भाई कौन है, ट्रांसफर आरएनए। श्रेया अपने छोटे भाई को क्या बोलेगी, ट्रांसफर कर कढ़ाई मुझे, ट्रांसफर कर शक्कर, ट्रांसफर कर गाजर, ट्रांसफर कर काजू बादाम, ट्रांसफर कर दूध। समझ में आ रहा है। सो वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है। दैट मींस व्हेन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट दैट टाइम राइबोसोम्स, हु इज द मेन कुक, राइबोसोम अपना कुक है। राइबोसोम क्या किसको ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर देगा ट्रांसफर आरएनए को। क्या बोलेगा, प्लीज ब्रिंग अमाइनो एसिड्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आएंगे एंड ऑल अमाइनो एसिड्स टुगेदर दे विल फॉर्म द प्रोटीन्स। करेक्ट स्टूडेंट्स, करेक्ट है। हमको भी पता है प्रोटीन किससे बनता है, बताओ मुझे, प्रोटीन्स आर फॉर्मड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। करेक्ट है। सो इफ आई एम, इफ टुडे आई हैव डिसाइडेड, अगर श्रेया ने आज डिसाइड किया कि मुझे आज प्रोटीन बनाना है, तो श्रेया को किसकी जरूरत पड़ेगी, अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट है। सो ट्रांसफर आरएनए आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू कैरी, और एल्स आई विल जस्ट राइट ओवर हियर, दे आर गोइंग टू ब्रिंग अमाइनो एसिड्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, क्या लाएंगे ये लोग, अमाइनो एसिड्स लेकर आएंगे एंड अमाइनो एसिड से बन जाएगा, अमाइनो एसिड से बन जाएगा प्रोटीन्स। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रोटीन्स। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड से क्या बन गया, प्रोटीन्स बन गया, सारे अमाइनो एसिड सुगर दे विल फॉर्म प्रोटीन्स एंड दिस प्रोसेस, ये जो एंटायर प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये एमआरएनए से लेकर यहां तक का जो प्रोसेस है, यहां तक का जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसलेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, सो डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, बताओ जल्दी, डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। एमआरएनए टू प्रोटीन तो बोलोगे आप ट्रांसलेशन, क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन। हमने मैसेज को ट्रांसलेट कर दिया, मैसेज को हमने ट्रांसलेट कर दिया। चलो रेडी, सबके तो एक्शन करेंगे, फटाफट से एक्शन करना है। ओके, डीएनए टू एमआरएनए, क्या नाम है प्रोसेस का, डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड भी बोलना है, वर्ड भी बोलना है, वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन, शाबाश। नेक्स्ट, एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, शाबाश, एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। क्लियर है, क्लियर है सबको, वेरी गुड। मेक श्योर योर ऑडियो इज ऑन म्यूट, मेक श्योर योर ऑडियो इज ऑन म्यूट। ठीक है, जैसे ही आप बातें कर ले रहे हो, आपका ऑडियो फिर म्यूट पे चला जाना चाहिए। ठीक है, सभी का, आर यू देयर, सभी का है, यस शी इज देयर, यस, कैमरा इज नॉट ऑन टुडे, अदरवाइज नॉर्मली यू आर वेरी वेरी एक्टिव। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चलो आगे चलते। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक मुझे बात समझ में आ गई, सब लोग बताओ यहां तक बात समझ में आ गई है ना। क्या हुआ स्टोरी में, अपन ने क्या किया स्टोरी में, श्रेया, श्रेया का कौन सा रोल था, श्रेया वॉज राइबोसोम, है ना, श्रेया क्या इसमें थी, कैरेक्टर कौन सा नाम था उसका, राइबोसोम। श्रेया का छोटा भाई ने कौन सा रोल प्ले किया, श्रेया के छोटे भाई ने कौन सा रोल प्ले किया, टीआरएनए, वेरी गुड, टीआरएनए, शाबाश। नेक्स्ट,
श्रेया ने इंटरनेट से गाजर का हलवा बनाने का रेसिपी नोट डाउन किया था, तो वो जो पेज है जिसपे इसने रेसिपी नोट डाउन किया, वो पेज कौन सा रोल प्ले किया इस स्टोरी में? प्रोटीन नहीं, राइबोसोम, अमीनो एसिड। नो, mRNA इज राइट आंसर श्रेया, वेल डन mRNA, वो पेज है mRNA ना, जहां पे पूरा मैसेज है, उस पेज पे अपना पूरा मैसेज है, सो दैट पेज इज mRNA, मैसेंजर RNA। समझ में आया श्रेया? उसी पेज को रीड करने वाली है, सो शी इज राइबोसोम। उसी पेज को रीड कर करके वो अपने भाई को बोली कि ट्रांसफर कर, जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर सब कुछ, तो उसका भाई बना ट्रांसफर RNA, अंडरस्टूड? और जहां से उसने रेसिपी कॉपी किया वो बन गया उसका कौन सा, यहाँ पे कैरेक्टर है DNA, वेरी गुड। सो जब श्रेया इंटरनेट से कॉपी कर रही थी, तो उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, जब कॉपी कर रही थी उस स्टेप को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड। देन जब श्रेया मैसेज रीड कर करके अपने भाई को बोल रही थी ये लेकर आ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। एक्शन के साथ दिखाओ मुझे फटाफट से, एवरीवन विद एक्शन, सरा विद एक्शन, शाबाश। ट्रांसलेशन, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है? ओके, वेट, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, चलो आगे बढ़ जाऊं मैं, शुड आई गो अहेड? सो नाउ आई वेरी वेल नो कि अगर मुझे प्रोटीन बनाना है बॉडी में तो प्रोसेस क्या है। आई कैन इजिली से हाउ प्रोटीन इज मेड। सो डीएनए को हम लेते हैं एंड डीएनए से हम बनाते हैं mRNA, स्टूडेंट्स ये अपने टेंथ में भी किया था, एंड mRNA से हम बना देंगे प्रोटीन्स। सो इसमें हमको किस किस की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? इसमें हमको जरूरत पड़ती है, सबसे पहले ये स्टेप में देखते हैं, ठीक है, ये स्टेप में हमको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी? राइबोसोम की जरूरत पड़ गई, करेक्ट स्टूडेंट्स? इसके अलावा किसकी हमको जरूरत पड़ जाती है, चेक करो, अमीनो एसिड्स। वेरी गुड, अमीनो एसिड्स, वेल डन। एंड अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर कौन करता है? तो हमको एक और आदमी की जरूरत है, कौन है वो? टीआरएनए। शाबाश, वेल डन स्टूडेंट्स, ये बहुत मजा आ रहा है, आप आंसर देते रहोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों लोगों की मुझे जरूरत पड़ गई यहाँ पे, करेक्ट। अभी इस स्टेप का नाम अपन क्या देंगे स्टूडेंट्स? ये स्टेप का नाम तो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन, वेट लेट मी राइट इट प्रॉपरली, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। शाबाश, एंड दिस एंटायर मैकेनिज्म, ये जो पूरा स्क्रीन पे मैंने लिखा है, इट इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, एंड यू मे राइट इट लेटर ऑन इन योर बुक ऑल्सो। अभी आप मुझे ओरली बोलते रहोगे, ठीक है, ओरली बोलते रहना। आपको सारे नोट्स मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, इफ इन केस मैंने नहीं डाला, आप जस्ट एक रिमाइंडर डालो ग्रुप पे कि सर टूडेज नोट्स, तो मैं इमीजिएटली डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी एट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग, डोंट वेस्ट योर, लेट योर फोकस गो हियर एंड देयर व्हाइल राइटिंग, फोकस ऑन द स्क्रीन एंड रिपीटेडली मुझे आंसर्स देते रहो, ठीक है। ओके रिफाक, ठीक है, आंसर्स देते रहना, ठीक है। I want all of you to be active, एकदम एक्टिव रहना, चलो इतना क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा और डीप में लेकर चलूं, थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर चलता हूं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि श्रेया अगर गाजर का हलवा बना रही है तो कैसे बनाई गाजर का हलवा? खड़े खड़े बेचारी बनाती रहेगी कि उसने बोला यार मैं तो थक जाऊंगी, सो आई वॉन्ट टू सीट समवेयर, मुझे कहीं पे बैठ के बनाना है गाजर का हलवा, तो हमने श्रेया को एक स्टूल दे दिया, ठीक है, एक स्टूल दे दिया कि यू कैन सिट ऑन दिस, श्रेया आराम से बैठ के बना, ठीक है, बड़ा अच्छा बनाना ताकि हम सब खा पाए गाजर का हलवा जो बनाई। सो उसको जो स्टूल दिया अपन ने, वो कौन से स्टूल पे बैठी है, चेक करो स्टूडेंट्स, राइबोसोम इज सिटिंग ऑन, राइबोसोम किस पे बैठा है? राइबोसोम बैठा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, किस पे बैठा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड, ये क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हो स्टोरी कहाँ पे चल रही है, स्टोरी कहाँ पे जा रही है? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि राइबोसोम जो अपना मेन कुक है, वो कुक कहाँ पे होता है सेल के अंदर, वेयर कैन आई फाइंड दिस कुक इन दिस सेल? सो स्टूडेंट्स, सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कौन होता है सेल के अंदर?
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. बोल के देखो, मुंह से बोल के देखो, वरना ये वर्ड बोलने नहीं आएगा आपको. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ओके स्टूडेंट्स, रिपीटेडली बोलते जाना मेरे साथ, ठीक है. नाउ ये कहां पे होता है, ट्राई टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स. ध्यान दो यहाँ पे, चलो ध्यान दो यहाँ पे. सपोज दिस इज वन सेल, ओके, ये बड़ा सा अपना सेल है. एंड इस सेल में दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है. लिख दू यहाँ पे न्यूक्लियस, चलो न्यूक्लियस लिख दिया मैंने. नाउ ये न्यूक्लियस के अराउंड स्टूडेंट्स ये रहा अपना मेम्ब्रेन. ये देखो ऐसे कुछ स्टार्ट होता है, ये गूगल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं. और इन स्ट्रक्चर्स को मैं बोलता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो एक टनल टाइप क्रिएट होता है, दिख रहा है आपको, फ्लैट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं आपको, फ्लैट स्ट्रक्चर्स. सो ये स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है. अब इनके भी दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, टू टाइप्स. कौन से टू टाइप्स? ऑन सम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वेरी वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ, रफ एंडोप्लाज्म. शाबाश शाबाश शाबाश. सो एक होता है स्मूथ टाइप, एक होता है रफ टाइप. रफ टाइप क्यों बोलते हैं, ये देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको इसका सरफेस कैसे नजर आ रहा है, इनके सरफेस कैसे नजर आ रहे हैं, स्मूथ या रफ, बताओ मुझे कैसे नजर आ रहे हैं इनके सरफेस. आपको स्मूथ नजर आ रहा है, करेक्ट है, स्मूथ सरफेस. शाबाश. सो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. बट इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में देयर कैन बी सम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स व्हिच कैन हैव राइबोसोम्स ऑन देम. सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूं एग्जांपल. चलो मैं सर्कल सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है. ये देखो इसके सर्फेस पे कैसा है आपको दिख रहा है, ये देखो इसके सर्फेस पे आपको अपने क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, आई कैन सी डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स, करेक्ट. नाउ कैन आई से दिस इज स्मूथ अपीयरेंस, दिस हैविंग स्मूथ अपीयरेंस. कैन आई से दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज हैविंग स्मूथ अपीयरेंस? नहीं, नो सर, है ना. तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं को अपन बोलते हैं राइबोसोम. याद आ रहा है क्या बोलते हैं इसको अपन, राइबोसोम. एंड इफ यू रिमेम्बर राइबोसोम अपना क्या था स्टूडेंट्स, राइबोसोम अपना क्या था, वो तो अपना कुक था, करेक्ट है. राइबोसोम तो हमारा कुक था. सो राइबोसोम कहाँ बैठा हुआ होता है, राइबोसोम बैठता है ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कहाँ बैठ जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये अगर राइबोसोम है, कहाँ बैठ गया, ऑन द सरफेस ऑफ, इनसाइड नहीं बोलने का, ऑन द सरफेस, इनसाइड नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, ये सबको क्लियर हो रहा है, जल्दी जल्दी बता दो मुझे, जल्दी बता दो. शाबाश. चलो इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. एंड नाउ आई कैन से स्टूडेंट्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, है ना. आपको ये इमेज देख के समझ गया होगा इसके दो टाइप्स होते हैं. सो आई राइट बोथ द टाइप्स, ओके. द टू टाइप्स आर, लेट मी नोट डाउन ओवर हियर, द टू टाइप्स आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके स्टूडेंट्स, चलो यहां तक क्लियर है. Especially newcomers. Let me see newcomers को जो आज मेरा lecture first time attend कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में आ रहा है, because जो पुराने students हैं, इनका tuning properly बैठ गया हमारे साथ, मस्त action कर रहे हैं, देखो enjoy कर रहे हैं lecture. But newcomers, are you enjoying? आपको समझ में आ रही चीजें? Okay, how many are newcomers? कौन-कौन ये lecture for the first time बैठ रहे हैं? Raise your hand please. How many of you are sitting this session for the first time? श्रेया पाठक, ओके. हु एल्स, रेज योर हैंड. तनिष्का जोशी, ओके तनिष्का. हु एल्स, रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड, लेट मी सी, रेज योर हैंड. तनिष्का जोशी के अलावा और कौन कौन है? प्राची इज ऑल्सो देयर. प्राची आई थिंक आपके फर्स्ट लेक्चर नहीं, सेकेंड लेक्चर है शायद. ओके, हु एल्स, और कौन कौन है? शुभम, समीर, आफरीन, आर पीपल देयर? समीर झा, समझ में आ रहा लेक्चर? यस, ओके, ओके, यस सर.
What about free नहीं, I cannot see her. Okay, ठीक है students, let me move ahead. ठीक है, जरा भी कुछ tension रहा है तो do let me know. Okay Shreya, I hope you are understanding everything. Yes, चलो. So this part is done. Now I know very well कि मेरा cook कौन है, ribosome है, वो कौन से stool पे बैठता है, rough endoplasmic reticulum पे बैठ जाता है. उसका recipe कौन है, इसको read करने वाला है, recipe का नाम है mRNA. ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स क्या यूज होने वाले हैं बनाने के लिए, अमाइनो एसिड्स. करेक्ट है स्टूडेंट्स, है ना. तो अपन इसको यहाँ पे लिख लें एक बार फटाफट से, है ना. अपना कुक कौन है, कुक है हमारा राइबोसोम. ठीक है, और राइबोसोम कौन से, कुक जो है वो अपना कौन से स्टूल पे बैठा है, वो बैठा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे. ठीक है, जो रेसिपी है, रेसिपी, सो रेसिपी कौन है हमारा, हमारा रेसिपी है मैसेंजर mRNA. शाबाश, है ना. हमारा हेल्पर कौन है, हमारा हेल्पर tRNA. वेरी गुड, tRNA, शाबाश, वेल डन. नेक्स्ट, अपना स्टूल तो हो गया है ना, ये भी हो गया, हेल्पर भी हो गया. अब हमारे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन है अपने, अमीनो एसिड. वेरी वेल डन, यू कैन से अमीनो एसिड और यू कैन से अमीनो एसिड्स. ओके, एंड फाइनली अपना जो फूड है आज का, अपना फूड आज का क्या है, अपना फूड है प्रोटीन. प्रोटीन, प्रोटीन.